हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं करने वाली हूँ लिपस्टिक्स के लिप स्वैचेस। दिस इज़ ह्यूज लिप स्वैच वीडियो एंड इसमें मैं बताऊँगी आपको कि ब्लू हेवन के जो ये एलिगेंस मैट लिप कलर हैं 12 शेड्स, ये जो मैंने परचेज किए थे इन, ये मुझे कैसे लगे और मैंने इनको आपको ना बहुत देर कर दी लिप स्वैचेस दिखाने में। आई एम सॉरी बिकॉज मैं इस वक्त इस बीच थोड़ा बिजी थी, ट्रैवलिंग में थी। बट सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँ, इस तरीके की पैकेजिंग आती है, सिंपल एंड डिसेंट, और 105 रुपीज़ इसका प्राइस है। और ये जो प्राइस है आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं लिपस्टिक की पैकेजिंग की। इट्स प्रिटी बट इट्स लार्ज, थोड़ी सी बड़ी है, बट फिर भी आप ट्रैवलिंग में इजीली इसे कैरी कर सकते हो। प्राइस वाइज देखूँ तो इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट, और ब्लू हेवन का प्रोडक्ट है ये, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। और पूरे के पूरे 12 शेड मैंने लिए हैं, और अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और मार्केट में भी आपको ये मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आपको शेड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों एक एक करके मैं इस वक्त अपने लिप्स पर ये अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले खूबसूरती से शुरू करते हैं, न्यूड शेड से शुरू करते हैं। सो ये शेड है 11 नंबर, 6 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ ये लिपस्टिक्स आती हैं, और ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स का ये प्रोडक्ट है। और ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है, इन्हें मैंने नायका से परचेज किया था और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ओके, सो चलिए इस शेड को मैं लगा करके दिखाने वाली हूँ, 11 नंबर। एंड ये जो लिपस्टिक है इस तरीके के एप्लीकेटर के साथ में आती है, विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड इसकी एक चीज़ और मैं बोलूँगी, ये लिपस्टिक अच्छी है, इसका ना फॉर्मूला बहुत अच्छा है और एक्सट्रीमली लाइट वेट है और स्टिकी नहीं है एंड देर तक रहती है, 6 से 7 घंटे रहती है। बट कोई भी लिक्विड लिपस्टिक हो, अगर आप उसके साथ कुछ खा पी रहे हो तो वो बीच से निकलने लगती है। सो दिस इज द गॉर्जियस शेड। तो ये बिल्कुल मेरे लिप्स के साथ जा रहा है एंड एवरी डे के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपके लिप्स ज़रा से भी पिगमेंटेड नहीं है तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत बढ़िया शेड होने वाला है, और टीनेजर्स के लिए ये अच्छा है अगर उन्हें लिपस्टिक लगाने का शौक है। सो इट्स वेरी नाइस, और शेड नंबर 11 हाईली रिकमेंडेड। दोस्तों ये शेड है शेड नंबर 12, यू कैन सी। एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं इनकी शेल्फ लाइफ है ऑलमोस्ट 2.5 ईयर, विच इज़ वेरी गुड। और शेड का ना नेम नहीं है बट नंबर दिया हुआ है, सो आप ये देख सकते हैं, ये है शेड नंबर 12। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉफ़ी न्यूड शेड, सो बट आई लव 11 नंबर। और बात करूँ इसके क्विक ड्राई होने की, तो जी हाँ, ये किस प्रूफ लिपस्टिक में क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है सो ये किस प्रूफ लिपस्टिक हो जाती है आफ्टर 1 मिनट। इनफैक्ट ये 1 मिनट से पहले ही ड्राई होती है। सी टोटली, सो दिस इज़ द नेक्स्ट नंबर, नंबर 7। और ये बहुत ही प्रिटी सा मोव पिंक शेड है। तो ये ना सारे ही लिप कलर ऐसे हैं कि हर इंडियन स्किन टोन पर अच्छे लगेंगे दोस्तों। और ये है अगला शेड, उस शेड से थोड़ा सा डार्क है, दिस इज़ द नंबर 6, यू कैन सी। ओ सॉरी, दिस इज़ द नंबर 6। ओके, सो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, वाइनिश पिंक है ये। और ये है अगला शेड एंड इसका नंबर है 05। सो दोस्तों बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डार्क है, लाइक ये एक मरून शेड है एंड दिस इज़ नॉट माय टाइप। एंड ये है नंबर 10, यू कैन सी। सो दिस इज़ वेरी बोल्ड ब्राइट रेड एक्चुअली, एंड अगर आपको रेड चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और ये है शेड नंबर 1, यू कैन सी। और ये ना टैंजरिन ऑरेंजिश रेड है एंड इट्स नॉट वेरी पिगमेंटेड बट या इट्स नाइस।
और ये आप देख सकते हैं शेड नंबर 3, सो इट्स नाइस एंड ऑरेंजी. सो दिस इज नंबर 2, यू कैन सी, एंड इट्स वेरी ब्राइट रेड शेड, सो इट्स वेरी नाइस. दिस इज द ऑरेंज शेड ऑफ दिस रेंज नंबर 4, एंड इट्स नाइस अगर किसी को ब्राइट ऑरेंज ट्राई करना है दोस्तों, बट आई लव न्यूड शेड्स. और ये है एक पिंकिश रेड कलर जो कि है नंबर 09, यू कैन सी. और दोस्तों लिप स्वैचेस करते करते मेरे लिप्स जो है वो स्वेल हो चुके हैं पूरी तरीके से, बिकॉज इसको रिमूव करना बहुत टफ टास्क होता है जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती है. और अब एक लास्ट शेड बाकी है एंड दिस इज द नंबर 8, आप देख सकते हैं यह है लास्ट शेड. तो ये थी पूरी की पूरी 12 लिपस्टिक्स जो कि मैंने आपको अभी लगा करके दिखाई. तो ओवरऑल मेरा आपको यही कहना है कि अगर आपको इनमें से दो शेड लेने होंगे तो मैं आपको सिर्फ दो शेड सजेस्ट करूंगी, नंबर 11 एंड नंबर 8, जो कि आपको परचेज करके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा. इसके बेस्ट शेड मुझे ये लगे, और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है दोस्तों. तो आपको जो भी शेड पसंद आए आप वो ले सकती हैं. ओवरऑल ये लाइट वेट हैं एंड इट्स वेरी नाइस, और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती, बट हाँ आपको लिप बाम की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत क्विकली ड्राई होती है, बट लिप्स को ड्राई नहीं करती उतना. बट क्योंकि किस प्रूफ लिपस्टिक है तो उससे लिप्स ड्राई होते ही हैं कहीं ना कहीं, ये सच भी है. तो थोड़ा सा लिप्स को नरिश और मॉइस्चराइज करें, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें. और अगर आपको अनदर लिपस्टिक्स के हॉल या फिर और भी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक एंड स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच दोस्तों, और मेरे अनदर वीडियोज़ देखते रहिए, स्पेशली ट्रैवलिंग वीडियोज़ एंड IGTV वीडियोज़. बाय बाय. और इसकी जो स्टेइंग पावर है, जैसे कि मैंने बताया 6 से 7 घंटे है, तो रहती है उतनी. और ये जो लिपस्टिक है मुझे अच्छी लगी दोस्तों, बिकॉज इतने कम प्राइस में किस प्रूफ लिपस्टिक आपको मिल रही है, इट्स वेरी नाइस. और फेस्टिव सीजन में आप ये सारे के सारे शेड्स में से कोई भी एक शेड चुन सकते हैं.